बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब बारी है रूबरो स्पाइनल ट्रैक की। रूबरो स्पाइनल ट्रैक का जो ओरिजिन होता है वो रेट न्यूक्लियस होता है। रेट न्यूक्लियस के अंदर दो टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं, एक बड़े बड़े साइज़ के न्यूरॉन और एक दूसरे छोटे साइज़ के न्यूरॉन। जिनका साइज़ बड़ा होता है उनको कहते हैं मैग्नो सेलुलर, जिनका साइज़ छोटा होता है उनको पैरवो सेलुलर। जो मैग्नो सेलुलर न्यूरॉन्स होते हैं रेट न्यूक्लियस के अंदर वो ओरिजिन देते हैं रूबरो स्पाइनल ट्रैक को। जो पैरवो सेलुलर न्यूरॉन्स होते हैं उनको वो ओरिजिन देते हैं रूबरो ओलाइवरी फाइबर्स को या रूबरो ओलाइवरी ट्रैक को। रूबरो ओलाइवरी का मतलब ये कहाँ पर जाएगा, इन्फीरियर ओलाइवरी न्यूक्लियस के पास, और वो उसकी एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा। लेकिन हमारा आज मेन फोकस रूबरो स्पाइनल ट्रैक है। तो रूबरो स्पाइनल ट्रैक निकला मैग्नो सेलुलर न्यूरॉन ऑफ रेट न्यूक्लियस। वहां से निकलने के बाद ये डिकासेट करेगा। डिकासेट कराने के लिए ये डिकासेट करते हुए एक डिकासेशन बनाएगा, उसको बोलेगी एंटीरियर एंड और वेंट्रल टेगमेंटल डिकासेशन। डिकासेट करने के बाद ये कॉन्ट्रालैटरल साइड पे आ गया। कॉन्ट्रालैटरल साइड पे आ गया तो स्पाइनल कॉर्ड के लैटरल फ्यूनिकुलस के अंदर ट्रैवल करेगा। लैटरल फ्यूनिकुलस के अंदर लैटरल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक भी क्रॉस कर रहा होता है। तो लैटरल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक और रूबरो स्पाइनल ट्रैक एक ही फ्यूनिकुलस के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं। ट्रैवल करने के बाद इन्होंने खत्म होना है। रूबरो स्पाइनल ट्रैक ने स्पाइनल कॉर्ड पे आके खत्म होना है, लेकिन ये स्पाइनल कॉर्ड के उस सेगमेंट पे आके खत्म होगा जिसने अपर लिम्ब के मसल को कंट्रोल करना है। वो स्पाइनल कॉर्ड के उस सेगमेंट पे खत्म नहीं होगा जिसने लोअर लिम्ब को कंट्रोल करना है। तो उसका मतलब रूबरो स्पाइनल ट्रैक का जो मेन फोकस होता है, मेन कंट्रोल होता है, वो अपर लिम्ब्स पे होता है। इसका कोई लोअर लिम्ब के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता। तो हम इसका स्पेसिफिक रोल पढ़ते हैं अपर लिम्ब के अंदर। अपर लिम्ब के अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड होता है इनको कंट्रोल करने वाला स्पाइनल कॉर्ड, उसके ग्रे मैटर के अंदर ये टर्मिनेट होते हैं लैमिना नंबर 5, लैमिना 6, लैमिना 7 पे आके खत्म होती है, और वहां पे जाकर ये प्रोक्सिमल लिम्ब के फ्लेक्सेस की एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। रूबरो स्पाइनल ट्रैक की एक्टिविटी को कौन कौन से फैक्टर कंट्रोल करते हैं? फॉर एग्जांपल हायर सेंटर होगा सेरिब्रल कॉर्टेक्स, वो भी इसको मॉड्यूलेट करता है, इसकी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, जबकि सेरिबेलम वो भी इसकी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। अब हम जो कॉर्टेक्स इसकी एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं इसमें देख लेते हैं। जो स्पेसिफिकली प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स और प्री मोटर कॉर्टेक्स ये प्रोजेक्ट करते होते हैं इप्सिलैटरल रेट न्यूक्लियस की तरफ, और जो सप्लीमेंट्री मोटर कॉर्टेक्स होता है वो कॉन्ट्रालैटरल इनपुट देता होता है। इन जो पाथवे का मेन फंक्शन ये होता है कि ताकि एक कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम प्रोवाइड कर सके। फॉर एग्जाम्पल अगर खुदा ना करता अगर कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक सिस्टम अगर डैमेज होता है तो कॉर्टिको स्पाइनल सिस्टम आगे मूवमेंट को इनिशिएट ना करा सके, शायद वॉलंटरी स्किल मूवमेंट को परफॉर्म ना करा सके, लेकिन जो रूबरो स्पाइनल ट्रैक होगा वो शायद उसको कंपनसेट कर सकेगा, क्योंकि कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक तो डिस्ट्रॉय हो गया। तो जो कॉर्टेक्स होगा वो इन्फॉर्मेशन देगा रूबरो स्पाइनल ट्रैक को, रूबरो स्पाइनल ट्रैक आगे इन्फॉर्मेशन को आगे कन्वे करेगा मसल्स की तरफ। तो जो कॉर्टेक्स इन्फ्लुएंस इसलिए करता ताकि ये कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम प्रोवाइड कर सके। दूसरा सेरिबेलम क्यों करता है? सेरिबेलम इसलिए करता ताकि कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड कर सके। कोई नई मोटर स्किल्स हो उसको सीखना हो या फिर परफॉर्मेंस करानी हो या फिर मॉडिफिकेशन करानी हो तो इसी ट्रैक के जरिए होती है। अब हम स्टार्ट करते हैं पैथोलॉजीज़ को। जो पहली पैथोलॉजी हमने पढ़नी है वो है डिसेरिब्रेशन या फिर डिसेरिब्रेट रिजिडिटी। तो जो डिसेरिब्रेशन या फिर डिसेरिब्रेट रिजिडिटी, इसका मेन कॉज यह होता है कि मिड ब्रेन का डैमेज हो जाना सुपीरियर और इन्फीरियर कॉलिकुलस के दरमियान में, यानी मिड कॉलिकुलर डीजनरेशन। वो किसी भी वजह से हो सकती है, वो या तो ट्यूमर की वजह से भी हो सकती है या फिर वो ट्रोमा की वजह से भी हो सकती है या फिर वो किसी और या इंट्राक्रैनियल प्रेशर ज़्यादा हो जाने की वजह से भी हो सकती है। किसी भी वजह से अगर हम लीजन्स प्रोड्यूस करें वो बायलैटरल हो और सुपीरियर और इन्फीरियर कॉलिकुलस के म्यान में हो, तो जो रिजिडिटी हमें देखने को मिलती है इसमें जो तमाम एक्सटेंसेस होते हैं अपर लिम्ब के और लोअर लिम्ब के, चारों लिम्ब्स होते हैं वो एक्सटेंशन में चले जाते हैं, काफी ज्यादा रिजिड हो जाते हैं, जिसकी वजह से इस कंडीशन को बोलते हैं डिसेरिब्रेशन या फिर डिसेरिब्रेट रिजिडिटी। ये जो डिसेरिब्रेट रिजिडिटी होती है इसका मेन कॉज होता क्या है, ऐसा क्या मैकेनिज्म होता है जिसकी वजह से डिसेरिब्रेट रिजिडिटी होगी, इसको समझते हैं। अब जो लीजन है वो लीजन कहाँ पे है? मिड ब्रेन के अंदर। मिड ब्रेन में स्पेसिफिकली किस पार्ट पर? सुपीरियर और इन्फीरियर कॉलिकुलस के दरमियान में, यानी मिड कॉलिकुलर लीजन है। तो मिड कॉलिकुलर लीजन होने की वजह से तो तमाम डिसेंडिंग कॉर्टिकल सिस्टम है, मैंने बोला डिसेंडिंग कॉर्टिकल सिस्टम वो डिस्ट्रॉय हो गए। फॉर एग्जाम्पल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक वो नीचे नहीं आ पा रहा, दूसरा कॉर्टिको रूबरल जिसने रूबरल ट्रैक को कंट्रोल करना है वो भी नहीं आ पा रहा, कॉर्टिको रेटिकुलर ये भी नहीं आ पा रहे, तो तीनों कॉर्टेक्स की प्रोजेक्शन डिस्ट्रॉय होगी, जिसकी वजह से रेट न्यूक्लियस भी काम नहीं कर रहा, रेटिकुलर फॉर्मेशन भी काम नहीं कर रहे, कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक भी काम नहीं कर रहा। और क्या क्या होगा? रेट न्यूक्लियस वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा क्योंकि वो भी कॉलिकुलस के लेवल पर पड़ा होता है, रूबरो स्पाइनल ट्रैक भी डैमेज हो जाएगा। अलबत्त ऐसे न्यूरॉन्स जिन्होंने मेडुलरी और पोन्टाइन रेटिकुलो स्पाइनल ट्रैक को ओरिजिन देना है, यानी जो ओरल एंड कॉडल पोन्टाइन न्यूक्लियस और दूसरा हमने पढ़ा था न्यूक्लियस गाइगेंटू सेलुलरिस, ये न्यूरॉन्स परसिस्ट रह गए। लेकिन जो मेडुलरी था, मेडुलरी की एक्साइटेटरी प्रोजेक्शन कॉर्टेक्स से नहीं आ पाई, पोन्टाइन की भी नहीं आ पाई, तो उनकी एक्टिविटी थोड़ी डिप्रेस तो होगी। लेकिन दूसरी तरफ जो असेंडिंग एंटीरोलैटरल सिस्टम था जिसने पेन की सेंसेशन को कैरी करना था वो जाके खत्म होता है पोन्टाइन रेटिकुलर स्पाइनल ट्रैक पर।
इसका क्या मतलब हुआ, मेडुलरी रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक काम नहीं कर रहा, लेकिन जो पोन्टाइन रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक है वो उस कंडीशन में काम करेगा जब हम नॉक्सियस स्टिमुलस दे, कोई नॉक्सियस स्टिमुलस दिया, पेन दिया, तो पेन स्पाइनल रेटिकुलर ट्रैक के जरिए जाएगा किसके पास, पोन्टाइन रेटिकुलर फॉर्मेशन के पास, वहाँ पे से निकलेगा पोन्टाइन रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक। वो पोन्टाइन रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक ये एक्सटेंसर की रिजिडिटी का कॉज बनेगा। कैसे कॉज बनता है वो भी हम देख लेते हैं। तो डी सेरिब्रेट रिजिडिटी का मेन कॉज था मिड कोलिकुलर डी जनरेशन। जो मिड कोलिकुलर डी जनरेशन होती है यानी सुपीरियर कोलिकुलस और इन्फीरियर कोलिकुलस के दरमियान लीजन प्रोड्यूस होती है, वो एक और इसके जो साइन सिम्टम होते हैं वो बिल्कुल ऐसे ही होते हैं जैसे सुपरा टेंटोरियल लीजन के होते हैं। सुपरा टेंटोरियल का मतलब होता है कि जो मिड ब्रेन होता है ना वो टेंटोरियल नोड से हर्निएट कर जाता है। इस कंडीशन को बोलते हैं सुपरा टेंटोरियल या फिर सेंट्रल हर्निएशन या फिर ट्रांसटेंटोरियल हर्निएशन। इस हर्निएशन में क्या क्या देखने को मिलता है, हर्निया होने से पहले अगर मिड ब्रेन डैमेज होता है यानी डायनसेफेलिक स्टेज में पेशेंट को क्या क्या साइन सिम्टम देखने को मिलते हैं। जो पेशेंट होगा उसमें कॉन्शियसनेस का लेवल काफ़ी डिक्रीज होगा, लिथार्जी होगी, जो पीपल होगा वो स्मॉल होगा, वो पुअरली रिएक्टिव होगा, आई मूवमेंट के डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं, और क्या मिलेगा, विड्रॉल रिफ्लेक्स वो भी इंटैक्ट मिलता है, रिफ्लेक्सेस हाइपर एक्टिव होते हैं, बायलैटरल बबिंस की साइन। अब इनकी एक्सप्लेनेशन क्या है वो मैंने एक अलग सेपरेट वीडियो से कवर करना है, तो आप उसको वहाँ से देख लीजिएगा। अब इसे यहाँ पे रट्टा मार लेते हैं कि क्या क्या साइन सिम्टम देखने को मिलते हैं। डायनसेफेलिक स्टेज पे हमें क्या क्या देखने को मिला, कॉन्शियसनेस नहीं थी, लिथार्जी है, स्मॉल पुअरली रिएक्टिव पीपल है, आई मूवमेंट डिसऑर्डर है, विड्रॉल रिफ्लेक्स इंटैक्ट है, रिफ्लेक्सेस हाइपर एक्टिव है। ये सारे साइन सिम्टम अपर मोटर न्यूरॉन लीजन्स को बता रहे हैं। तो ये था हमारा सेंट्रल या फिर ट्रांसटेंटोरियल हर्निएशन जो डी सेरिब्रेट रिजिडिटी के साइन सिम्टम को मिमिक करती है। अब हम देख लेते हैं कि जो डी सेरिब्रेट रिजिडिटी है इसका मेन कॉज क्या था। जो रिजिडिटी हुई एक्सटेंसर मसल के अंदर यानी जो एक्सटेंसर हाइपरटोनस होगी, एक्सटेंसर हाइपरटोनस का मेन कॉज क्या था, एक्सटेंसर हाइपरटोनस या तो अल्फा मोटर न्यूरॉन की ज़्यादा एक्टिवेशन की वजह से हुई या फिर गामा मोटर न्यूरॉन की एक्टिवेशन से हुई। याद रखिएगा अगर हमने किसी भी मसल को स्टिमुलेट कराना हो, किसी भी मसल की कॉन्ट्रैक्शन करानी हो, तो या तो हम अल्फा मोटर न्यूरॉन को एक्टिवेट कर दें या फिर गामा मोटर न्यूरॉन को। अल्फा मोटर न्यूरॉन को एक्टिवेट कर दे तो अल्फा मोटर न्यूरॉन डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्शन करा देगा मसल की। अगर हम गामा मोटर न्यूरॉन की एक्टिवेशन कराए तो गामा मोटर न्यूरॉन की एक्टिवेशन से जो होते हैं इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर्स होते हैं जो मसल स्पिंडल के जो एंड्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से जो सेंटर वाला पोर्शन कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वहाँ से इन्फॉर्मेशन जाएगी 1A फाइबर से जाएगी इन्फॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड के पास, वहाँ से भी कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगी। तो या तो हम अल्फा मोटर न्यूरॉन को एक्टिवेट कर दें या फिर गामा मोटर न्यूरॉन को एक्टिवेट कर दें, इन दोनों की एक्टिवेशन से मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है। अब ये पता चलाने के लिए कि जो एक्सटेंसर हाइपरटोनस थी वो अल्फा मोटर न्यूरॉन की ज़्यादा एक्टिवेशन की वजह से हुई या फिर गामा मोटर न्यूरॉन की ज़्यादा एक्टिवेशन की वजह से हुई, तो उसको ये डायग्नोस करने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए ये एक्सपेरिमेंट किया गया एनिमल्स में। जो साइंटिस्ट थे इन्होंने क्या किया, इन्होंने पोस्टीरियर रूट को डिस्ट्रॉय कर दिया, डोर्सल रूट को डिस्ट्रॉय कर दिया। डोर्सल रूट को डिस्ट्रॉय करने से जो एक्सटेंसर हाइपरटोनस थी लिम्स के अंदर वो कोलैप्स कर गई, खत्म हो गई। इसका क्या मतलब हुआ, इसको मतलब को समझने के लिए मैंने आपको पहले बताया था कि जो अगर मसल की कॉन्ट्रैक्शन कराने तो दो तरीके होते हैं, या तो फिर आप अल्फा मोटर न्यूरॉन की एक्टिवेशन करा दो या फिर आप इनडायरेक्टली आप गामा लूप को एक्टिवेट कर दो। गामा लूप का मतलब होता है कि गामा मोटर न्यूरॉन को एक्टिवेट कर दो, गामा मोटर न्यूरॉन की एक्टिवेशन से मसल स्पिंडल एक्टिवेट होगी, मसल स्पिंडल्स आगे उस मसल के अल्फा मोटर न्यूरॉन को एक्टिवेट कर देगी, या तो गामा लूप या फिर अल्फा मोटर न्यूरॉन। लेकिन जो डी सेरिब्रेट रिजिडिटी होती है वो किस वजह से होती है, वो गामा लूप की वजह से होती है। गामा लूप की वजह से क्यों, क्योंकि जब डोर्सल रूट को काटा गया तो डोर्सल रूट को काटने की वजह से मसल स्पिंडल्स अपना मैसेज सेंड नहीं कर सकी। जब मसल स्पिंडल्स अपना मैसेज सेंड नहीं कर सके तो फिर वो मसल की कॉन्ट्रैक्शन नहीं करा सकेगी, स्पेसिफिकली एक्सटेंसर मसल की कॉन्ट्रैक्शन, जिसकी वजह से जो रिजिडिटी थी वो कोलैप्स करेगी। तो उसका मतलब यहाँ पे कल्प्रिट कौन है, गामा लूप है, अल्फा मोटर न्यूरॉन का यहाँ पे कोई कसूर नहीं है। अब सवाल ये आता है कि जो फ्लेक्सर मसल थे वो कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं कर सके, यानी फ्लेक्सर मसल इनएक्टिव क्यों हो गए और एक्सटेंसर मसल ज़्यादा एक्टिव क्यों हो गए। फ्लेक्सर मसल इनएक्टिव इसलिए हो गए क्योंकि जो कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक, कॉर्टिको रूब्रो स्पाइनल इनपुट थी फ्लेक्सर मसल्स के पास, वो डिस्ट्रॉय होगी। लेकिन जो एक्सटेंसर मसल थे वो हाइपर एक्टिव इसलिए हुए क्योंकि एक तरफ तो वेस्टिबुलर स्पाइनल ट्रैक है वो था, वो तो उसको कुछ भी नहीं हुआ, वो अनइफेक्टेड था। दूसरी तरफ रेटिकुलर फॉर्मेशन आपको बताया था कि रेटिकुलर फॉर्मेशन वो थोड़ा सा उसको इफेक्ट हुई थी। क्यों इफेक्ट हुई थी, क्योंकि कॉर्टिको रेटिकुलर फाइबर्स डैमेज हो गए थे, जिसकी वजह से जो मेडुलरी और पोन्टाइन दोनों इनएक्टिव हो गए थे। लेकिन अगर नॉक्सियस स्टिमुलस देते हैं तो नॉक्सियस स्टिमुलस एक्टिवेट करता है पोन्टाइन रेटिकुलर फॉर्मेशन को, जिसकी वजह से पोन्टाइन रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक एक्टिव होता है। वो पोन्टाइन रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक खत्म होता है गामा मोटर न्यूरॉन के ऊपर, एक्सटेंसर गामा मोटर न्यूरॉन के ऊपर, और वो गामा मोटर न्यूरॉन की एक्टिवेशन करा देगा। गामा मोटर न्यूरॉन की एक्टिवेशन होगी तो गामा लूप एक्टिव हो गया, गामा लूप एक्टिव हो गया तो फिर मसल की कॉन्ट्रैक्शन इनडायरेक्ट तरीके से हो गई। ये कैसे पता चलाया गया, जब हमने डोर्सल रूट को काटा ना तो डोर्सल रूट ने गामा लूप को इंटरप्ट कर दिया, इंटरप्ट करने देने की वजह से जो रिजिडिटी थी वो डिसअपीयर होगी, जिसकी वजह से हम डी सेरिब्रेट रिजिडिटी को गामा रिजिडिटी भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मेन कल्प्रिट होता है वो गामा लूप होता है।